खुदावन का शुक्र अदा करते हुए आज हम फिर खुदा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम गॉस्पल में स्टडी कर रहे हैं, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मेरे साथ निकालें गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 21 से टिल 24। उसी घड़ी वो रूल कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हां ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसके जहर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पैडलर जो पैसेज है मैं उसको साथ साथ कोट करूंगा, मैथ्यू 11:25-30, तो लेकिन उस 30 तक शायद हम ना जा सके, लेट्स सी। तो वर्स 22 में लिखा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता कि बेटा कौन है स्वाब बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता कि बाप कौन है स्वाब बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। बाप और बेटे का लिंक कभी नहीं बल्कि अक्सर ऐसे बात होती है, लोग कहते हैं कि व्हेन जीसस सेड आई एम द सन ऑफ गॉड, हम आप कहेंगे यहाँ या उसने, तो आप वो कहेंगे ये तो मैथ्यू ने कहा, ये जॉन ने कहा, ये लूक ने कहा, ये उसने, अब ये पढ़े। अब कभी मौका मिले तो इसको वापस जाएं 21 पे, उसने कहा, पहले उसने क्या कहा, माय फादर हु इज क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ, जीसस इज टॉकिंग, इट्स नॉट, उन्होंने उसके कोट किया है, बट जीसस इज टॉकिंग माय फादर, और दिस इज द फर्स्ट टाइम, पीछे जितनी दफा भी जिक्र आया ही सेड आ फादर और फादर, यहां पर वो कहता है माय फादर, और फादर के साथ ही कहता है क्रिएटर, हु इज फादर, वो क्लियर ना साथ में, जो आसमान और जमीन का खुदावंद है। एक दो जगह पर खुदावंद ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन लोग उसको, फॉर एग्जांपल जॉन चैप्टर 10 वर्स 29 में लिखा है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता, वो अपनी भेड़ों की बात करते हैं, मैं और बाप एक हैं। जो हॉबिटनेस वाले आपसे कहेंगे नो 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 नो, दिस इज जस्ट सेइंग वी आर वन इन गोल, वन इज पर्पज, वन इज नो नो नो, इज जस्ट सेइंग लाइक दिस कि हमारा गोल एक है, पर्पज एक है, हमारा मकसद एक है, हम क्या करना चाहते हैं, इट्स नॉट सेइंग समथिंग एल्स। लेकिन जब आप उससे आगे की वर्स पढ़ेंगे तो अगली बात उनकी बात को कैंसिल कर देती है। जॉन 10 वर्स 31, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए, उनमें से किस काम के सब से तुम मुझे संसार करते हो। 33, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। He said many time these things. It's not saying, no, no, my purpose is one, our goal is one. I'm not saying मैं खुदा। They understood. वो अपने ही उसके लोग थे जो उसकी लैंग्वेज जानते थे, वो उसकी कौम के लोग थे, तो क्यों उन्होंने पत्थर उठा ले, जो उसकी अपनी कौम, अपनी जुबान, अपना लहजा, अपना वो सब कुछ डायलॉग समझते थे,
वो समझते थे, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। क्या सौंपा गया खुदावंद का? मैं जब कहूं ऑल थिंग, व्हाट इज मीन बाय ऑल थिंग? ऑल थिंग्स हैव डिलीवर्ड टू मी थ्रू माय फादर। ऑल थिंग मीन्स ऑल थिंग, ऑल व्हाट एवर यू कैन थिंक, ऑल। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, खुदावंद ने खुद कहा। रिडेम्पशन प्लान मेरे पास है, ऑल कंट्रोल मेरे पास है, नेचर का, फिजिक का, सिन, हेवन, हेल और इटर्निटी, डीमंस, एंजल, होप, लाइफ, डेथ, ग्रेस, ग्लोरी, विक्ट्री, एवरीथिंग आई एम होल्डिंग। सब कुछ उसके हाथ में है, ही होल्ड एवरीथिंग, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। द नॉलेज, इवन ऑल द नॉलेज बाउंड अप इन द ट्रिनिटी। एक्चुअली तो कहता है यहां पर कि और कोई बेटे को नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता बाप कौन है सिवा बेटे के। ये जो बात की जा रही है इस पे दस दो चार मिनट में बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है। कभी आपको इस तरह की बात करने का कि वेयर जीसस सेड आई एम द सन ऑफ गॉड, नो वन नोज द फादर एक्सेप्ट सन, बाप को कोई नहीं जानता बेटे के सिवा, और बेटे को कोई नहीं जानता बाप के सिवा। द लिंक, द इंटिमेट रिलेशनशिप, ये जो बात है ये बहुत गहरी बात है कि खुदा अगर तो ये खुदावंद कह रहा है कि मैं खुदा को जानता हूं। हमने क्या पढ़ा था करिन्थियन में कि इंसान तो इंसान को नहीं जान सकता, हम एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत एक्सपर्ट को ले जो बहुत ही डिग्रियां हो हर चीज के, साइकेट्रिस्ट हो और या कोई इंटेलिजेंट कोई फिलोसोफर हो या कोई साइंटिस्ट हो या कोई बड़ा प्रोफेसर हो, तो वो यहाँ खड़ा कर दे, तो मैं अपने आप को खड़ा कर दूँ तो उसको कहूँ कि बताओ मेरे बारे में कुछ कि मैं कौन हूँ, या यानी कि मैं मेरे अंदर क्या है, या मैं क्या चल रहा हूँ, या मेरे दिमाग में क्या है। दे कांट टेल यू। इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस, इस दुनिया का जितना भी विजडम है कितना भी, दे कांट टेल अनटिल और अनलेस यू टेल देम समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, इंसान को तो इंसान ही जा सकता, खुदा को कौन इंसान जान सकता। जब यीशु कहते हैं ना कि मैं खुदा को, बाप को सिर्फ मैं जानता हूं, तो इसका मतलब है ओनली गॉड कैन नो गॉड। खुदा को खुदा ही जान सकता है, और बेटे को वो कहते हैं मुझे भी कोई नहीं जानता, इवन मैं आई केम लाइक अ मैन, नो वन नोज मी सिवाय बाप के। तो इसका मतलब है असल में वो कह रहे हैं कि जो लिंक हमारा है, जो ताल्लुक हमारा है, ये नो बॉडी कैन अप्रोच, वहां तक किसी के रसाई नहीं है, इट्स अनअवेलेबल, नो वन कैन एंटर दिस। कहता है वो ऐसे नूर में रहता है कि जहां तक किसी की रसाई नहीं है। खुदावन ने कहा कि अलहियत की सारी ममूरी मुझ में मुजस्म होकर सुकूनत करती है, सारी सारी जो डीटी है वो सारी मुझ के मेरे अंदर बसती है, सुकूनत करती है। और दिस इज सो सो अमेजिंग, ओनली गॉड कैन नो गॉड। और बाप और बेटे की ये जो इंटिमेट रिलेशनशिप है, और आगे हम कैसे जानते हैं कुछ, डिट्रोनमी 29:29 में लिखा है कि सीक्रेट बिलोंग टू गॉड, सीक्रेट बिलोंग टू गॉड। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, लेकिन जो चीजें रिवेल की गई हैं, जो चीजें जाहिर की हैं, सिर्फ उसके उसके बच्चों और उसके बच्चों पर, जो उसके घराने के लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उन पर वो सीक्रेट रिवेल की गई हैं।
वो भेद दुनिया के रिवेल किए गए हैं जो इंसान नहीं जानते। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के। और आखिर में लिखा है और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे, यानी कि बाप जान सकता है या बेटा जान सकता है, या उस पे जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। यीशु के पास ये भी अथॉरिटी है कि जिसको वो जाहिर करना चाहे। क्या हम पढ़ते हैं John 1:18 कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने हम पर जाहिर किया। ही रिवेल गॉड टू अस। खुदा को कभी किसी ने नहीं जाना। ऑल हिस्ट्री मैनकाइंड 2000 साल पहले जब यीशु आया तो उसने खुदा को जाहिर किया कि मैं बता सकता हूं कि हूं कि आई केम फ्रॉम गॉड, मैं खुदा में से निकला और यहां पर आया हूं, आई नो गॉड। और उसको जानने के लिए वी नीड, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इफ यू वॉन्ट टू नो गॉड, इफ यू वॉन्ट टू नो फादर, कम टू मी, आई विल टेल यू, आई विल टेक यू देयर। दिस इज आवर सेवियर, आवर मास्टर, जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर हम जीसस को देखते हैं तो क्या नजर आता है हमें, हम उस पर नजर करें, गौर करें, तो कहते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे का, John 1:14 में। और John 1 में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है। इफ यू नो जीसस यू नो गॉड। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा होकर खास उनसे ही कहा मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती और जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। इस जनरेशन को वो कह रहे हैं यू आर मोस्ट ब्लेस्ड नेशन कि द थिंग्स द ऑल राइचियस पीपल ऑल प्रॉफिट ऑल बिग मैन किंग वॉज वेटिंग एंड डिजायर, आरजू थी उनकी कि हम देखें। वो हम गीत गाते हैं कौन सा, बड़े आलम से जिस जूझते जूझते तमन्ना जिसकी सबको खूब कूती, सभी नबियों को उसकी आरज़ू थी मोहब्बत का वो बन इज़हार। हालेलुया, ये है हमारे लिए ब्लेसिंग, ये हमारे लिए ब्लेसिंग। यूहन्ना जब प्रिजन में था तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि पूछो ये वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। उसने ये नहीं कहा मैं यहां, आई एम क्राइस्ट, आई एम गॉड। ही डिड मैनी थिंग्स विच द नेशन ऑफ इसराइल नेवर सीन। उन्होंने कहा ऐसी बातें हमने कभी देखी ही नहीं। वो उसकी तालीम से हैरान थे, दंग थे कि ये कैसी तालीम है, हमने ऐसी इख्तियार के साथ तालीम कभी नहीं सुनी। और ये मुझदे खुदा, क्योंकि ये साया ने पेशन गोई की थी, जब मुसाया आएगा तो वो क्या करेगा, ये काम करेगा, मुर्दों को जलाएगा, लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को बिनाई देगा, बुदरू ग्रिफ्तों को शिफा देगा, डिलीवर करेगा। Luke 7:18 में लिखा है और यूहन्ना के शागिर्दों ने इस बातों की खबर दी। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को बुलाकर खुदा उनके पास ये पूछने के भेजा कि आने वाला तू ही, हम दूसरे की राह देखें। और उन्होंने ये बातें आकर उससे कही। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों राफतों बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से
बयान कर दो। केंदे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। क्या मतलब? मुबारक है वो जो शक ना करे इस बात पर। इफ यू हैव डाउट देन यू आर नॉट ब्लेस्ड, कि नो स्टिल यू हैव डाउट। खुदावंद कहता है मुबारक है वो जो शक ना करे, जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हूं। बेशक खुदावंद हम तेरी तह की बातें, हम तेरी रूह की बातें, हम तेरी गहराई की बातों नहीं जानता जब तक कि तू हम पर जाहिर ना करे, तू हम पर ना खोले। खुदा यस लॉर्ड, वी बिलीव दैट, वी ट्रस्ट इन यू, वी हैव फेथ इन यू लॉर्ड, दैट यू आर द ट्रू होली वन, द सन ऑफ गॉड। हां खुदा, हम जानते हैं कि जब उस शमाउन ने जो तेरा मुंतजर था चूजे देखा हैकल में, तो उसने कहा ए खुदावंद अब मुझे घर ले चल, मैंने तेरी निजात को देख लिया है। खुदा हमें इस ठोकर खाने से, इस शक करने से, इस हमारी कमजोरी से हमें बहाल कर खुदा, और बख्श दे खुदावंद हम तेरे कलाम की पूरी पूरी बातों पर अमल करें खुदावंद, उस पर ईमान से चले, ईमान ही के वसीले से, ईमान ही के वसीले से बहुत सारे लोगों ने तेरी बादशाही को हासिल किया, इवन उन्होंने देखा भी नहीं, इसके बावजूद वो तेरे तुझ पर ईमान लाकर तुझ में डाल। हमने तो ये बातें देख ली, हमने तो बातें पढ़ ली, हमने सुन ली। देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ टेस्टिमनीज अराउंड अस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अगर हम में कोई कमजोरी है, अगर हम में कोई ऐसी ईमान की कमजोरी है, उसको खुदावन तो हील कर, मेरी कम एतकादी का इलाज कर खुदावन, और मेरे ईमान को मजबूत कर कि आइंदा मैं तुझ पर पूरे पूरे भरोसे के साथ चलूं, और वो तमाम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और वो जॉय जो तू अपने लोगों के लिए रखा है उसको हासिल करूं, और तेरे रूह में पाया जाऊं, और तेरे साथ साथ चलता रहूं जब तक कि तू हमें लेने ना आए। We'll be right back.